ब्रेस्ट कैंसर भी आम लम्ब्स जो होते हैं उसकी तरह से ही प्रेजेंट करेगा, कोई अलग तरीके से नहीं आता है। पर जो कॉमनेस्ट सिम्टम समझने वाली बात है वो ये है कि ये पेनलेस होता है और एक गांठ आ जाती है आपके ब्रेस्ट में। दिस इज़ द कॉमनेस्ट सिम्टम। इसके अलावा कभी निप्पल डिस्चार्ज होना जिसमें कि ब्लड दिख रहा हो, या फिर निप्पल आपका अंदर चला गया हो, या फिर ब्रेस्ट में कहीं पे डिम्पल पड़ रहा हो, या फिर ब्रेस्ट की चमड़ी जो है वो बहुत मोटी हो गई हो, जैसे कि संतरे के छिलके जैसी हो गई हो, इनमें से ये कोई भी लक्षण हो सकते हैं। हमारी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम फास्ट फूड अपनाएं, हम काउंटर से कुछ खरीद लेते हैं, उसको खा लेते हैं बिना ये समझे कि उसमें क्या प्रिजर्वेटिव डाला था, उसमें ऐसी कौन से पदार्थ हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। क्योंकि कई महिलाएं हमें कहती हैं, डॉक्टर साहब हम तो फ्रूट भी खाते हैं, हम तो वेजिटेबल भी खाते हैं, तो ये हमें कैसा हो गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे वजह पता है कि क्यों हुआ, लेकिन वो खाने की चीज़ कहाँ से सोर्स हुई, वो उसके ऊपर फर्टिलाइजर्स की क्या मात्रा थी, जो हम खा रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं कि सही खा रहे हैं, वो सही है या नहीं। तो हम कहते तो ये हैं कि 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए दिन में, लेकिन वो सही ज़रूर खाएं। वेस्ट की सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, कुछ हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी हैं। उसमें से एक तो ये है कि फ्रेश पका हुआ खाना खाना। कोशिश करिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बहुत चीज़ें बदली हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे देश में भी 90s में प्लास्टिक आया था, और 90s में प्लास्टिक आने के बाद इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो गया है, और वो कोइंसाइड किया है एक तरीके से कैंसर की बढ़ती संख्या के साथ भी। मैं डॉक्टर गीता कडेप्रथ हूँ और मैं ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल के साथ। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज के हमारा विषय है ब्रेस्ट कैंसर, मैं इसी के ऊपर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कैसे होती है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर भी आम लम्ब्स जो होते हैं उसकी तरह से ही प्रेजेंट करेगा, कोई अलग तरीके से नहीं आता है। पर जो कॉमनेस्ट सिम्टम समझने वाली बात है वो ये है कि ये पेनलेस होता है और एक गांठ आ जाती है आपके ब्रेस्ट में। दिस इज़ द कॉमनेस्ट सिम्टम। इसके अलावा कभी निप्पल डिस्चार्ज होना जिसमें कि ब्लड दिख रहा हो, या फिर निप्पल आपका अंदर चला गया हो, या फिर ब्रेस्ट में कहीं पे डिम्पल पड़ रहा हो, या फिर ब्रेस्ट की चमड़ी जो है वो बहुत मोटी हो गई हो, जैसे कि संतरे के छिलके जैसी हो गई हो, इनमें से ये कोई भी लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको कर्ष में कोई गांठ दिखती हो, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि निप्पल के वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है, या फिर वो पपड़ी सी बनती है और वो झड़ जाता है, और आपका जो निप्पल का सरफेस जो है वो रेड हो जाता है या ब्लीड करता है, ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के कारण क्या हैं, और क्या हर तरह की गांठ ब्रेस्ट कैंसर ही होती है? देखिए, हम कारण की बात नहीं करते हैं, लेकिन हमें कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में ज़रूर पता है। उसमें से कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और कुछ हैं जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जिनको हम नहीं मॉडिफाई कर सकते, उसमें ये है कि आप कितने, मतलब किस एज में आपको पीरियड्स शुरू हुई हैं, कब आपका पीरियड्स बंद होता है, कब आपने मतलब आपके जेनेटिक्स जो हैं उसको आप बदल नहीं सकते, आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर है ब्रेस्ट कैंसर की उसको भी आप बदल नहीं सकते। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको आप बदल सकते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव, लेकिन मुझे शक है ये हमारे महिलाओं में कारगर है या नहीं, क्योंकि हमारी महिलाएं अधिकतर ब्रेस्ट फीड करती हैं लेकिन फिर भी ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। तो ये एक ये वजह हो सकती है, या फिर किसी महिला ने मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लिया हो और ज़्यादा समय तक लिया हो, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। फिर ज़्यादा वेट होना, या फिर खाने में ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो कि हानिकारक हो सकती है, जिसको हम फास्ट फूड के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे कई प्रिजर्वेटिव्स होती हैं जो कि आपके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकती हैं बाकी चीज़ों के कॉम्बिनेशन में, जैसे कि आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। वो महिलाएं जो एक्सरसाइज करती हैं उनमें रिस्क कम होता है, और नियमित रूप से जो एक्सरसाइज करते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे जल्दी पैदा करना, ये भी एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है।
अधिकतर महिलाएं क्योंकि कामकाजी होने के वजह से अपनी डिलीवरी को डिले करती हैं, तो ये भी अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। और फिर वो महिलाएं जो कि शादी नहीं करती, जो कि जिनका कि कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होता, इनमें भी देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। ये कहना बिल्कुल गलत है। अधिकतर लोग जो है इसीलिए भी डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर भाई गांठ आ गई तो या तो वो कैंसर है, और कुछ तो ऐसे होता है कि कैंसर होने के बावजूद भी सोचते हैं कि अरे नहीं नहीं ये तो नॉर्मल वाली गांठ है, और उसको अनदेखा कर देते हैं। हर गांठ कैंसर नहीं होती, खास करके यंग लेडीज़ जो होती है, मतलब जो 20s में होती हैं, आप समझ लीजिए कि 95-99% लम्स जो होती हैं वो नॉर्मल वाली होती हैं। बहुत कम होता है कि 20 और 30 के बीच में आपको कैंसर दिखे। लेकिन यही गांठ हाल फिलहाल में अगर आई हो और आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, तो हमें ये शंका दिमाग में ज़रूर आती है कि कहीं ये कैंसर ना हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 40 साल के बाद नियमित रूप से अपने आप की जांच करवाना, डॉक्टर से दिखाना, मैमोग्राम करना, और अपने खुद के अपने ब्रेस्ट को हाथ लगा के उसको महसूस करना हर महीने, इस पर हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रखते हैं, क्योंकि 50-40 के बाद इसका रिस्क बढ़ना शुरू होता है। लेकिन फिर भी हर गांठ कैंसर नहीं है, जब तक आप इसको जांच ना ले और ये तय ना कर ले कि ये कैंसर है, तब तक कोई नहीं कह सकता कि ये वाकई में कैंसर है। क्या ब्रेस्ट कैंसर को क्या हम एक लाइफस्टाइल डिजीज़ कह सकते हैं, या लाइफस्टाइल से होने वाली ये बीमारी कह सकते हैं? ये सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन फॉर्चुनेटली आज भी हमारी महिलाएं अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह पे बिलीव करती हैं। लेकिन ये ना एक बैलेंसिंग एक्ट बन जाता है, क्योंकि महिलाओं का वही उम्र होती है जब आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, वही उम्र है जब आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, तो ये सब चीज़ें बैलेंस करने में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह को तो मतलब कमी में लगती है। तो जब करियर ओरिएंटेड होते हैं, आपको अगर नौकरी पे वापस जाना हो, तो आप अपने बच्चे को दूध पिलाने में कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं तो करते हैं, मतलब कि वैसे तो आप हर फीड जो है आप बच्चे को देना चाहेंगे, पर ये कई बारी संभव नहीं हो पाता। और कई बारी ऐसा हो जाता है कि जब आप काम पे लौट जाते हैं तो कई बार एक बार या दो बार आप फीड कर पाते हैं अपने बच्चे को। तो हमारी एक तरह से होड़ लगी हुई है, सब लोग दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ को पहुँचने की कोशिश है, ये हम नहीं समझ पा रहे। और इसमें क्या होता है कि आप अननेसेसरी बहुत सारा स्ट्रेस भी उठाते हैं, खाने के बारे में भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, फिज़िकल एक्टिविटी भी रह जाती है, तो कुल मिला के लाइफस्टाइल जो है आपका तितर बितर हो जाता है। तो ये इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर को हम एक लाइफस्टाइल डिज़ीज़ ज़रूर कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अगर हम संभालें तो हम अपना रिस्क ज़रूर कम कर सकते हैं। क्या ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया जा सकता है, ये ठीक हो जाती है बीमारी? तो ये मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा मिथ है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि कैंसर हो गया तो बस गए, ये बहुत गलत फहमी है लोगों के मन में। इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि कैंसर होगा तो निश्चित ही नेगेटिव आउटकम होगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना अर्ली डायग्नोसिस ज़रूर करें। अर्ली डायग्नोसिस तब हो सकती है अगर आप जागरूक हो और आप अपने नियमित रूप से खुद जाँच करते हो, सालाना जाके अपने डॉक्टर को दिखाते हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप अर्ली डायग्नोसिस करेंगे तो आपके बीमारी से निजात पाने का जो चांस है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम कहते हैं कि मैमोग्राम क्या होता है, एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, उसमें अगर कैल्शियम के स्पेक्स दिखें एक सर्टन पैटर्न में जो कि ब्रेस्ट कैंसर की शंका पैदा कर सकती है, तो अगर आप उस समय उस पर ध्यान दें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, बायोप्सी करें, तो हो सकता है वो प्री कैंसरस लीजन हो। अगर प्री कैंसरस स्टेज में अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ सकते हैं तो 99% चांस है कि आप बिल्कुल ठीक रहेंगे और अपना नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि ब्रेस्ट कैंसर ठीक नहीं हो सकता। इनफैक्ट आजकल इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, खासकर कि दवाइयों में इतनी सारी दवाइयाँ आ चुकी हैं जिसके लेने से इवन स्टेज 4 डिजीज़ में आप देख रहे हैं कि महिलाएं 4, 5, 10, 15 साल तक भी जी पा रही हैं। मैम, सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? सर्जरी जो है ब्रेस्ट कैंसर के इलाज का एक बहुत अहम हिस्सा है। अर्ली स्टेज अगर हो तो ब्रेस्ट सर्जरी जो है वो सबसे पहला एक स्टेप होता है।
ब्रेस्ट कैंसर का इलाज केवल सर्जरी से नहीं होता। हम कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज जो है वो मल्टी मोडालिटी है। मल्टी मोडालिटी का मतलब आप सर्जरी भी करवाएंगे, आपको हो सकता है कीमो भी ज़रूरत पड़े, रेडिएशन की ज़रूरत पड़े, कुछ महिलाओं को हार्मोनल की भी ज़रूरत पड़ती है और कुछों को टारगेटेड की ज़रूरत पड़ती है, इम्यूनोथेरेपी, ऐसे कई पहलू है ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में। उसमें सर्जरी एक बहुत अहम हिस्सा है उसका। और सर्जरी कई बार हम पहले करते हैं, जैसे अगर अर्ली स्टेज हुआ, छोटी गांठ है तो उसमें हम सर्जरी पहले करते हैं। लेकिन अगर गांठ थोड़ी बड़ी हो जाती है, बगल में गिल्टी महसूस होती है और उसका जब हम कैरेक्टर समझने की कोशिश करते हैं, हमें पता चलता है कि वो उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा नहीं है, जिसको कि हम ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं या HER2 पॉजिटिव, ये भी एक प्रोटीन है जो ट्यूमर्स एक्सप्रेस करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो ऐसे हालात में हम पहले कीमोथेरेपी करते हैं और कई बार टारगेटेड ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद फिर सर्जरी होती है। कई बार महिलाएं बड़े ट्यूमर के साथ आती हैं और इच्छा जाहिर करती हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो ब्रेस्ट बचाना है, तो ऐसे हाल में आप तुरंत सर्जरी करके ब्रेस्ट नहीं बचा सकते, लेकिन कीमोथेरेपी करने के बाद, ट्यूमर को श्रिंक करने के बाद आप ज़रूर ब्रेस्ट बचा सकते हैं। तो सर्जरी तो बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है, सिर्फ स्टेज 4 का जब कैंसर होता है उसमें फिर सर्जरी का रोल बहुत कम हो जाता है, लेकिन स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3 तक सर्जरी ज़रूर होती है। सीक्वेंस क्या होती है वो आपके ट्यूमर का कैरेक्टर और आपके ट्यूमर का स्टेज हमें बताती है। कीमो का मतलब कि हम पहले गांठ को थोड़ा छोटा कर देते हैं, उसके बाद सर्जरी करते हैं और फिर हमें दोबारा कीमो की ज़रूरत पड़ती है क्या? जब कीमोथेरेपी करते हैं तो हम इसीलिए, एक वजह तो यही है जैसे मैंने बताया कि ट्यूमर को श्रिंक करना चाहते हैं और ब्रेस्ट बचाने वाला ऑपरेशन करना चाहते हैं, ये एक खास वजह है। कुछ तो ये भी वजह होती है कि अगर बड़ा ट्यूमर है, स्किन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, ऐसे में तो कीमोथेरेपी पहले करनी ही पड़ती है, मजबूरन करनी पड़ती है। और इसके बाद हम, हो सकता है कहें कि भाई आपका ब्रेस्ट अभी नहीं बचाया जा सकता क्योंकि शुरुआत में आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा थी। एक तो वो बीमारी होगी जो बड़ी है लेकिन श्रिंक करके जिसमें ब्रेस्ट बचाया जाता है, तो दोनों ही सूरत में हम पहले कीमोथेरेपी करते हैं। और कीमोथेरेपी के साथ जैसे मैंने कहा कि और चीज़ें भी जुड़ जाती हैं, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें हमें टारगेटेड ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, तो वो कीमोथेरेपी के साथ चलती हैं। अब जैसे मैंने बताया सीक्वेंस तो कोई भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर अगर हुआ तो हमने पहले तो कीमोथेरेपी करी, फिर सर्जरी करी, सर्जरी के बाद हम फिर से वो जो हम निकालते हैं उसकी टेस्टिंग होती है। उस टेस्टिंग में अगर हमें दिखता है कि भाई ट्यूमर उसमें बचा हुआ है था या कि यानी कि छोटा तो हो गया लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, तो उसमें फिर हम सर्जरी के बाद भी ओरल कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। और जिनमें टारगेटेड ट्रीटमेंट चलता है वो सर्जरी के बाद टारगेटेड ट्रीटमेंट चलती है, पूरे साल चलती है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें ये सर्जरी के बाद भी सिस्टेमिक ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। मैम, पहले की सर्जरी में और अब की सर्जरी में कुछ फ़र्क दिखता है? जैसे पहले ब्रेस्ट को पूरा रिमूव कर दिया जाता था और अब अंडर आर्म से ऑपरेट करके सिर्फ गांठ को ही निकाले और ब्रेस्ट को फिर भी बचाया जा सके। तो ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि आज की तारीख में भी हमारे देश में अधिकतर महिलाओं का ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी होती है। इसकी कई वजहें, ये तो एक तो वजह ये है कि भाई एक्सपर्टीज़ नहीं है ब्रेस्ट बचाने की, दूसरा ये है कि अगर रेडिएशन फैसिलिटी नहीं हो तो आप ब्रेस्ट नहीं बचा सकते, क्योंकि अगर ब्रेस्ट बचाना है तो रेडिएशन देना भी अनिवार्य है। लेकिन अब हम बहुत दूर निकल आए हैं, एक टाइम होता था, आप समझिए कि लास्ट सेंचुरी के फर्स्ट 60-70 ईयर्स तक ब्रेस्ट रिमूवल का ही ऑप्शन होता था। 1980s में जब ट्रायल शुरू हुए, कंपेयर किया गया कि ब्रेस्ट रिमूवल और ब्रेस्ट बचाने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लोकल रिकरेंस रेट्स में, तब ये फैसला हुआ कि भाई अब ब्रेस्ट बचाने की सर्जरी सेफली किया जा सकता है। और जैसे जैसे रेडिएशन की टेक्निक्स इंप्रूव हुई, कीमोथेरेपी की भी इम्प्रूवमेंट आई, तो उसमें क्या हुआ कि ब्रेस्ट बचाकर भी हमें वही आउटकम्स मिल रहे थे जैसे कि हमें ब्रेस्ट हटाने से। अब वहाँ से भी निकल के हम और आगे बढ़े, जब हम पहले ब्रेस्ट रिमूवल करते थे या ब्रेस्ट बचाते तो लिम्फ नोड्स भी सारे निकाले जाते थे। लिम्फ नोड्स यानी कि बगल में जो गिल्टियाँ होती हैं वो सारी निकाली जाती थी। और इसका क्या वो परिणाम होता था कि अबाउट 20-25% महिलाओं में बाजू की स्वेलिंग हो जाती थी। इतना कई बार कुछ लोगों का इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो जाता था कि उधर से फंक्शन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता था।
तो फिर क्या हुआ, अर्ली लेट 90s अर्ली 2000s में सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी की प्रक्रिया शुरू हुई। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, 3-4 लिम्फ नोड निकालते हैं जो कि हम एक आइसोटोप और एक ब्लू डाई के ज़रिए पहचानते हैं ऑपरेशन के दौरान, और केवल वो 3-4 लिम्फ नोड्स निकालते हैं। उसकी टेस्टिंग होती है ऑपरेशन के दौरान, हमारे पैथोलॉजिस्ट फ्रोजन सेक्शन के द्वारा हमें बताते हैं कि बीमारी यहाँ तक पहुँची है या नहीं। और अगर यहाँ बीमारी नहीं पहुँची है तो हमें सारे लिम्फ नोड्स निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, वो महिलाएँ जिनके सिर्फ सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी हुई उनके बाजू के स्वेलिंग का रिस्क घटकर less than 5% हो गया। है ना, ये बहुत अच्छी बात कि आपके बाजू के स्वेलिंग का रिस्क इतना कम हो गया कि आजकल हमारी महिलाएं जो हमारे फॉलोअप में आती हैं हमें बहुत कम ऐसा दिखता है कि उनकी बाजू की स्वेलिंग हुई हो। तो ये हुआ लिम्फ नोड के बारे में। अब रही ब्रेस्ट के बारे में, पहले हम ब्रेस्ट बचाते तो थे लेकिन ब्रेस्ट की शेप बड़ी ख़राब हो जाती थी, खास करके रेडिएशन के बाद, क्योंकि हम जिस एरिया से वो ट्यूमर निकालते थे उसको किसी चीज़ से भरते नहीं थे, वो सिर्फ पानी से भरता था और फिर जब रेडिएशन होता था तो वो सिकुड़ के वो छोटा सा रह जाता था और ब्रेस्ट की शेप बड़ी ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब पिछले 10-15 सालों में ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक्स के द्वारा हम ये जो डिफेक्ट हम क्रिएट करते हैं इसको हम भरते भी हैं। तो इसके कई टेक्निक्स हैं जिससे कि हम ब्रेस्ट की शेप रिस्टोर कर सकते हैं, और अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इस महिला में ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, नहीं तो कोई बता ही नहीं सकता कि ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है। तो ये सब बहुत एडवांसमेंट्स हुई हैं सर्जरी में, जिससे कि महिला को कभी भी ये नहीं महसूस करना कि वो कम है किसी भी तरह से। शारीरिक रूप की कमी भी मानसिक रूप से महिला को एक तरह से बहुत डिप्रेस कर सकती है, या फिर उसको कहीं ना कहीं अपने को एक तरह से वो एक अपने आप में सिमट जाती है, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास इन सब के ऑप्शंस हैं। हमारे देश में देखा गया है कि जब किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो एक तो उसको वैसे ही बहुत तकलीफ से गुजर रही होती है, दूसरा इन लोगों के ऊपर एक मेंटल हेल्थ का ट्रॉमा भी बहुत ज़्यादा होता है, एक मेंटल ट्रॉमा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें मरीज़ को अपनी फैमिली से किस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए, और क्या ये सपोर्ट बहुत महत्व रखता है एक मरीज़ को ठीक होने में? मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जितना मैंने देखा है जिन महिलाओं के साथ उनकी फैमिली एकदम सुदृढ़ तरीके से खड़ी होती है उनका जो आउटकम होता है वो बहुत अच्छा होता है। सपोर्ट किसको नहीं चाहिए, आप एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उसमें अनसर्टनिटीज़ इतनी ज़्यादा है, आपको पता नहीं है कि ये ट्रीटमेंट हो जाने के बाद उसके बाद हमारा कैसा रहेगा, ये शंकाएं हमेशा मन में रहती है, एक डर ज़रूर रहता है, लेकिन सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल है कि आप इसमें से धीरे धीरे आप भूलना शुरू हो जाते हैं इस वाकया को। इसके अलावा हम लोग एक ब्रेस्ट सपोर्ट ग्रुप चलाते हैं। ब्रेस्ट सपोर्ट ग्रुप का मतलब क्या होता है, डॉक्टर होने के नाते मैं जितना भी मरीज़ को समझाऊं कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक हो जाएंगे आप, इसके बाद आप ज़िंदगी को पहले से भी बेहतर तरीके से जीना शुरू करेंगे, वो हमेशा आपको कहते हैं कि भाई आप तो डॉक्टर हैं आप तो ऐसा ही कहेंगे। लेकिन जब हम इन महिलाओं को उन महिलाओं से मिलवाते हैं जिनका कि ये इलाज हो चुका होता है और वो बड़े आराम से उसमें से निकल कर कई ऐसी चीज़ें कर रही होती है जो उन्होंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं की होती है, तो ये एक प्रोत्साहन का स्रोत बन जाता है। तो ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि ट्रीटमेंट के बाद भी हम अपने मरीज़ों का हाथ नहीं छोड़ते और हम उनको इस ब्रेस्ट सपोर्ट ग्रुप में इनवाइट करते हैं। तो जो महिलाएं जिनको 5, 10, 15 साल हो गए वो जब इनको कहते हैं कि देखो हमारी तरफ देखो हम में क्या कमी है और आप देख के बता सकते हो क्या कि हम इस ट्रीटमेंट से गुजर चुके हैं, तो उससे उनको बहुत बहुत हौसला अफजाई होती है, उन्हें लगता है कि अरे ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और उस पॉजिटिविटी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैम, सर्जरी के बाद इसमें रिजल्ट कितना अच्छा है? देखिए सर्जरी जैसे मैंने कहा ये एक हिस्सा है, बाकी और चीज़ें जो इसके साथ जुड़ती हैं चाहे वो कीमोथेरेपी हो चाहे वो रेडिएशन हो चाहे वो टारगेटेड ट्रीटमेंट हो, तो ये सम्मिलित एक तरह से रिज़ल्ट निकलता है। और हमें डर इस चीज़ का इतना नहीं होता कि दोबारा से ब्रेस्ट में होने का या चेस्ट वॉल पे होने का, अगर ब्रेस्ट रिमूवल की गई हो उससे इतना डर नहीं होता, क्योंकि वो होता भी कितना है 1-3% में ब्रेस्ट रिमूवल के बाद, और ब्रेस्ट रिमूवल नहीं करते बचाते हैं
तो 5-6% पेशेंट्स में होता है कि बीमारी दोबारा से वहाँ आए। हमें इस चीज़ का इतना डर नहीं है जितना कि बीमारी को किसी और ऑर्गन में आने का। किसी और ऑर्गन से मतलब है लंग में, लिवर में, बोन में, ब्रेन में या पेट के अंदर। इन चीज़ों से हमें ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि क्या होता है, आपका जो स्टेज होता है, जैसे ही किसी और ऑर्गन में बीमारी जाती है तो वो हो जाता है स्टेज 4। स्टेज 4 में हम अच्छे आउटकम्स 10-20% लोगों में ही एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा जो स्टेज जो परिवर्तन होता है, इसका हम जितनी जल्दी हो सके वो पता लगाएं। तो हम फॉलोअप प्रोटोकॉल में रखते हैं मरीज़ को। फॉलोअप का मतलब होता है कि पहले 2 साल हम 3-3 महीने में मरीज़ को बुलाते हैं, उसके बाद फिर हम 3 साल 6-6 महीने में बुलाते हैं, और फिर सालाना 5 साल तक। तो टोटल फॉलोअप ऑफ 10 ईयर्स। ये फॉलोअप इसलिए नहीं कि बीमारी नहीं आ सकती, बीमारी आने को तो आ सकती है, लेकिन हम उसे जल्दी पकड़कर उसका फिर से इलाज दोबारा से शुरू करते हैं, ताकि हम उनके जो डिजीज़ फ्री सर्वाइवल है उसको बहुत इम्प्रूव कर सकें। क्या ये कभी गांठें फट भी जाती हैं? ऐसा भी होता है, और क्या उसमें भी सर्जरी की जाती है? देखिए, गांठ फटने का मतलब 2 हो सकते हैं। जैसे एक ट्यूमर होता है जिसको हम फिलॉइड्स ट्यूमर बोलते हैं, कभी कभी वो इतना बड़ा हो जाता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है स्किन पे और वो फट जाता है, वो ब्लीडिंग शुरू होती है। उसको तो संभाला जा सकता है, वो तो हमने सर्जरी कर दी और वो सिचुएशन तो ईजिली हैंडल हो जाता है। लेकिन जो दूसरा सिचुएशन है, जिसमें हम कहते हैं कि स्टेज 3 का कैंसर हो गया, जिसमें बीमारी को अनदेखा किया गया, आप डॉक्टर के पास गए ही नहीं, और आपने या तो फिर कोई ऐसे इलाज शुरू किया जिसका कि कोई वो मूल नहीं है या उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको शुरू किया, और फिर आपने देखा कि धीरे धीरे वो बीमारी तो बढ़ी गई। बढ़ने के चक्कर में क्या होता है कि ट्यूमर इतना बड़ा हो जाता है कि वो स्किन को अल्सरेट कर देती है। स्किन को अल्सरेट तो कर देती है, आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो ट्यूमर होता है, जो कैंसर होता है ना, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसको जितनी ज़रूरत होती है उतने ही नए नए ब्लड वेसल्स बन रहे होते हैं उसमें, और वो जब एक बारी अल्सरेट कर जाता है तो वो फिर ब्लीड करना शुरू कर देता है। तो जब ब्लीडिंग शुरू होती है तो वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको मिनिमल तरीके से रोकें और कीमोथेरेपी शुरू हो जाए, ताकि वो जो आपका ब्लीडिंग है वो कीमोथेरेपी से रुक जाए। लेकिन कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता है, तो फिर हमें उस सिचुएशन में सर्जरी ज़रूर करनी पड़ती है, ताकि वो जो ट्यूमर है उसको हम निकालें, उसका जो वो ब्लड सप्लाई जो है उसको ख़त्म करें, और मरीज़ का जो ब्रेस्ट अगर रिमूव करने की ज़रूरत पड़े तो उस समय हम ब्रेस्ट रिमूव करते हैं, ताकि वो ब्लीडिंग का निवारण हो जाए। डॉक्टर साहब, अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर एक बार हो जाता है तो, और इसका इलाज हो जाए और वो ठीक हो जाए, तो क्या उसमें दोबारा होने के चांसेस होते हैं? तो इसमें दो हिस्से हैं इस सवाल के जवाब में। एक तो है कि दोबारा से अगर ब्रेस्ट बचाया हो तो उस ब्रेस्ट में आने का, या ऑपोजिट ब्रेस्ट में आने का। तो इसका रिस्क जो होता है, ऑपोजिट ब्रेस्ट में आने का रिस्क होता है 1% पर ईयर, और जिस ब्रेस्ट का इलाज हो चुका है, जिसमें ब्रेस्ट बचाया गया, मैंने बताया आपको कि 5-6% रिस्क होता है उसी ब्रेस्ट में दोबारा होने का। या फिर अगर ब्रेस्ट हटाया है तो आपका जो फ्लैट चेस्ट वॉल होता है उसमें भी आने का रिस्क होता है करीब 1-3%, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारा कंसर्न वो नहीं है, हमारा कंसर्न है बीमारी का किसी और ऑर्गन में आने का। तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो वैसे तो हम लोग बड़े प्रिलिमिनरी से इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, और हम मरीज़ से पूछते हैं, आपको भूख ठीक लग रही है ना, आपको वजन तो नहीं घटा, आपको किसी बोन में, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई पेन तो नहीं है, और ये सिम्टम्स कोई 2-3 हफ्ते से तो नहीं चल रहा, या फिर आपको खांसी हो रही है जो नहीं जा रहा है 3 हफ्ते से, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या फिर पीलिया हो गया हो, या फिर आपका पेट फूल रहा हो, तो ये सब सिम्टम्स हो सकती हैं कि बीमारी फैल गई है। या फिर कभी मरीज़ कहते हैं कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, या फिर कोई एपिलेप्टिक फिट जैसा होता है, सीजर जिसको हम कहते हैं, अगर वो हो गया हो, तो ये सब इंडिकेशन हो सकती हैं कि बीमारी फैल गई है। ना खाने का मतलब हो कहीं लिवर में तो कुछ नहीं आ गया, खांसी या सांस लेने में दिक्कत तो मतलब कहीं लंग में तो कोई ऐसी इशू नहीं आ गई है, जैसे हड्डी में कहीं पर दर्द हो रहा था किसी हड्डी में, तो बोन में तो नहीं कहीं चली गई है बीमारी। तो ये अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, और मरीज़ अक्सर जब आते हैं तो वही हमें बता रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे 2 हफ्ते से खांसी हो रही है, जा नहीं रहा है,
मैंने एंटीबायोटिक भी ले लिया, मैंने दवाइयाँ सिरप्स भी ले ली, तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे जाना पड़ता है। तो हम इसमें एक्सरे चेस्ट पे नहीं रुकेंगे, हम कहेंगे भैया सीटी चेस्ट भी करके देखना होगा कि ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है जिसे हम मिस कर रहे हों। तो ये होता है जांचने का तरीका। कैंसर से पहले या कैंसर के ठीक हो जाने के बाद डाइट का क्या रोल होता? देखिए, बाय एंड लार्ज हम लोग का जो डाइटरी तरीका है, हमारा जो रोज़ खाना बनाना और खाना, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन हमारी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम फास्ट फूड अपनाएं, हम काउंटर से कुछ ख़रीद लेते हैं, उसको खा लेते हैं बिना ये समझे कि उसमें क्या प्रिजर्वेटिव डाला था, उसमें ऐसी कौन से पदार्थ हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को हटाना है। वेस्ट की सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती, कुछ हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी हैं। उसमें से एक तो ये है कि फ्रेश पका हुआ खाना खाना। कोशिश करिए कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बहुत चीज़ें बदली हैं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे देश में भी 90s में प्लास्टिक आया था, और 90s में प्लास्टिक आने के बाद इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो गया है, और वो कोइंसाइड किया है एक तरीके से कैंसर की बढ़ती संख्या के साथ भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो इसके साथ रिलेशन है। तो ये जो माइक्रोवेव करते हैं, तो आप प्लास्टिक के बर्तन में मत करिए, आप उसको ग्लास के बर्तन में करिए, आप स्टील का इस्तेमाल करिए। तो और नॉन स्टिक वाले में भी जो कोटिंग होती है उससे भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए। तो हम अपने एनवायरनमेंट में भी ऐसे चीज़ें देख लेंगे ना, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो हमारे खाने की चीज़ को दूषित कर रहे हैं। और हमारा पानी देख लीजिए, हमारी हवा देख लीजिए, हमारा खाना देख लीजिए, हर चीज़ में प्रदूषण का कुछ ना कुछ तो असर है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि मैं तो कहती हूँ टेढ़ी मेढ़ी सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी हैं, ना कि वो सुंदर चमकने वाली सब्ज़ियाँ, क्योंकि वो चमकदार सब्ज़ियों में कुछ तो ऐसा गया है जिसकी वजह से वो इतना लंबा रह जाती हैं। जो टेढ़ी मेढ़ी सब्ज़ियाँ होती हैं, जो आपके ही प्लांट के पॉट्स में से निकली होती हैं, जो ऑर्गेनिक होती हैं, जिसमें ज़्यादा खाद सामग्री नहीं डली होती है, जब फर्टिलाइज़र्स नहीं डली होती हैं, उन चीज़ों को खाइए। मतलब कि जितना क्लोजेस्ट टू सोर्स होता है ना, उतना ही अच्छा होता है खाना। क्योंकि कई महिलाएं हमें कहती हैं डॉक्टर साहब हम तो फ्रूट भी खाते हैं, हम तो वेजिटेबल भी खाते हैं, तो ये हमें कैसा हो गया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं मुझे वजह पता है कि क्यों हुआ, लेकिन वो खाने की चीज़ कहाँ से सोर्स हुई, वो उसके ऊपर फर्टिलाइज़र्स की क्या मात्रा थी, जो हम खा रहे हैं, जिसको हम सोच रहे हैं कि सही खा रहे हैं, वो सही है या नहीं। तो हम कहते तो ये है कि 5 servings ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए दिन में, लेकिन वो सही ज़रूर खाएँ। और जहाँ तक पॉसिबल हो, आप अपने एनवायरनमेंट के लिए जो भी कर सकते हैं उसको ज़रूर करिए। ये जो हम प्लास्टिक और अपने वेजिटेबल वेस्ट, किचन वेस्ट जो मिक्स करके डंप करते हैं, ये हम जो अपने एनवायरनमेंट को जो सबसे ज़्यादा हानि पहुँचा रहे हैं ना, वो इसी के ज़रिए पहुँचा रहे हैं। तो अगर आप अपने घर के किचन वेस्ट को कंपोस्ट कर सकते हैं, तो ये भी आपको आपका ये कॉन्ट्रीब्यूशन होगा नेचर को रिवाइव करने का। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं। मैं ये नहीं आपको कहूँगी कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हर चीज़ मॉडरेशन में सही है। ये नहीं कि मीठा पसंद है तो 1 किलो मिठाई खा ली, ये फ्राइड चीज़ें पसंद है तो फ्राइड चीज़ें ही खा रहे हैं, ये नहीं करना है। हर चीज़ मॉडरेशन में सही है, हर चीज़ इन एक्सेस इज पॉइजन, एज सिंपल एज दैट। सेहत से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें।